हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप लोग। उम्मीद करता हूँ आईआईटी जेई की तैयारी मस्त चल रही होगी आपकी। आईआईटी जेई 2022 में बहुत कम दिन बचे हैं, इसलिए आपसे मेरी एडवाइस है कि आप सब लोग बहुत अच्छी तरीके से हर दिन का एक टारगेट तय करके एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से तैयारी करते हुए आगे बढ़िए। ऑलराइट, केमिकल इक्विलिब्रियम के दो लेक्चर हमने आपको पढ़ा दिए हैं। पहले लेक्चर में हमने बेसिक्स बताया था, सेकेंड लेक्चर में हमने इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट लिखना सिखाया, एंड थर्ड लेक्चर में आज हम लोग तीन इंपॉर्टेंट चीजें, इनफैक्ट दो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने वाले हैं। एक तो रिएक्शन कॉन्स्टेंट क्या होता है, एक कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो केमिकल इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट को इफेक्ट करते हैं, और केमिकल इक्विलिब्रियम पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम करने वाले हैं। ऑलराइट, तो आ जाइए फटाफट रिएक्शन कॉन्स्टेंट शुरू करते हैं। रिएक्शन कॉन्स्टेंट क्या होता है बेटा, जिस प्रकार से हम लोग केसी और केपी का एक्सप्रेशन इक्विलिब्रियम स्टेट पे लिखते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम लोग रिएक्शन कॉन्स्टेंट का एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि रिएक्शन कॉन्स्टेंट हैज टू बी रिटन एट एनी स्टेज ऑफ रिएक्शन। इक्विलिब्रियम पे भी लिख सकते हैं, उसके पहले भी लिख सकते हैं, उसके बाद में भी लिख सकते हैं। यानी रिएक्शन कॉन्स्टेंट को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ, अगर मैं फार्मूला में डालना चाहूँ, तो रिएक्शन कॉन्स्टेंट क्यू सी, जैसे वही रिएक्शन स्टैंडर्ड इक्वेशन में ले ले रहा हूँ, ए मॉलिक्यूल ऑफ ए बी मॉलिक्यूल ऑफ बी चेंजिंग इनटू सी मॉलिक्यूल ऑफ सी प्लस डी मॉलिक्यूल ऑफ डी, ये मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। यहाँ पे क्यू सी को मैं लिख सकता हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी रेज टू द पावर सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी रेज टू द पावर डी, ऐसे ही ए का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर ए इंटू बी का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर बी। ठीक है बच्चों, ठीक उसी तरह से जैसे हमने केपी लिखा था, हम लोग क्यूपी भी लिख सकते हैं। क्यूपी को लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ सी रेज टू द पावर सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी रेज टू द पावर डी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए रेज टू द पावर ए इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी रेज टू द पावर बी। एग्जैक्टली वही एक्सप्रेशन है, सिर्फ फर्क ये है कि वहां पे हम लोग इक्विलिब्रियम आने पे ही इस प्रकार का एक्सप्रेशन लिखते थे। दिस कैन बी रिटन एज एट एनी स्टेज ऑफ रिएक्शन, एट एनी स्टेज ऑफ रिएक्शन, इक्विलिब्रियम पर, इक्विलिब्रियम के पहले और इक्विलिब्रियम के बाद में। वो बात और है कि जिस समय इक्विलिब्रियम आ जाएगा उस समय क्यू सी एन क्यू पी, क्यू सी एन के सी दोनों बराबर हो जाएंगे, क्यू पी एन के पी दोनों बराबर हो जाएंगे। राइट, तो क्या मैं कह सकता हूं यहाँ पे कि अगर कभी क्यू सी का वैल्यू के सी से कम हो, यानी इक्विलिब्रियम पे जो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है उससे कम कॉन्सेंट्रेशन अभी प्रोडक्ट की है, इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन हैज अ टेंडेंसी टू गो टू फॉरवर्ड, रिएक्शन विल गो टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। यानी कि जब भी कभी आपका क्यू सी का वैल्यू के सी से कम हो तो गिवन रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। ऐसे ही क्यू सी का वैल्यू के सी से कभी ज्यादा हो जाए इत्तफाक से, इसका मतलब जो गिवन रिएक्शन है ये बैकवर्ड जाएगी, इसका मतलब एक्चुअली गिवन रिएक्शन नहीं हो रही है, इसकी उल्टी रिएक्शन हो रही है, दैट मीन्स रिएक्शन विल गो टू बैकवर्ड डायरेक्शन। राइट, और अगर कभी के सी एंड क्यू सी बराबर हो जाए तो उस समय रिएक्शन विल बी एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन को हम इक्विलिब्रियम पे मान सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो जैसे ये रिएक्शन लिखी हुई है, ये फॉरवर्ड जाते हुए शुरुआत में क्यू सी का वैल्यू बहुत छोटा होगा या क्यू पी का वैल्यू बहुत छोटा होगा, जैसे जैसे ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम की तरफ अप्रोच करेगी वैसे वैसे क्यू सी का वैल्यू बढ़ेगा और इक्विलिब्रियम पे जाके वो क्यू सी के सी के बराबर हो जाएगा। यानी के सी क्यू सी की मैक्सिमम वैल्यू होती है, कभी भी किसी गिवन रिएक्शन का क्यू सी उसके के सी से अधिक नहीं हो सकता। जैसे यहाँ मैंने देखा कि अधिक हो रहा है, इसका मतलब ये रिएक्शन हो ही नहीं रही है, इसकी बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है, और अगर बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है इसका मतलब बैकवर्ड रिएक्शन का क्यू सी बैकवर्ड रिएक्शन के केसी से कम ही होगा। आप कह सकते हैं जैसे क्यू सी इज ग्रेटर देन के सी, तो आप देखेंगे वन अपॉन क्यू सी इज लेस देन वन अपॉन के सी, और वन अपॉन क्यू सी क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन का रिएक्शन कॉन्स्टेंट, ऐसे वन अपॉन के सी क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। तो कहने का मतलब ये है कि शुरुआत में क्यू सी छोटा होता है, जैसे जैसे इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ता है क्यू सी की वैल्यू बढ़ती है, एंड फाइनली इक्विलिब्रियम आने के बाद क्यू सी और के सी बराबर हो जाते हैं। ऑलराइट बच्चों, तो ये एक तरीका होता है, क्यू सी बहुत यूजफुल कंसेप्ट है किसी रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करने का, चाहे आप क्यू सी से कर लें या क्यू पी से कर लें, जो भी डेटा क्वेश्चन में गिवन हो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ऑलराइट बच्चों, जैसे छोटा सा क्वेश्चन है आईआईटी जेई में ऑलरेडी आ चुका है, व्हेन टू रिएक्टेंट्स ए एंड बी
आर मिक्स टुगेदर टू फॉर्म सी एन डी, ए एंड बी मिल करके सी एन डी बनाते हैं। द रिएक्शन कॉन्स्टेंट क्यू एट इनिशियल स्टेज ऑफ रिएक्शन, यानी शुरुआत की स्टेज में क्यू सी का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, डिक्रीज करेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होगा या इंक्रीज विद टाइम होगा, क्या लगता है आपको? जीरो तो एकदम शुरू में होगा जब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ही जीरो होगी, तो जीरो कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि इन्होंने बोला है इनिशियल स्टेजेस ऑफ रिएक्शन। तो इनिशियल स्टेजेस ऑफ रिएक्शन में क्यूसी का वैल्यू बढ़ेगा एंड फाइनली जाकर के वो केसी के बराबर हो जाएगा। ऑलराइट, तो इसका परफेक्ट आंसर हो गया इंक्रीजेस विद टाइम। एक और क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन 2a + b चेंजिंग इनटू 3c एट 298 केल्विन, केसी गिवन है, 3 लीटर का वेसल है, इसके अंदर 2 मोल ए के, 1 मोल बी का और 3 मोल सी का है। द रिएक्शन एट सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर पे रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी, बैकवर्ड जाएगी या इक्विलिब्रियम स्टेट है या आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जरा सोचिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने का सीधा सा तरीका यह है कि क्यू सी निकाल लीजिए। क्यों मैं क्यू सी निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे ए का मोल भी दिया है, बी का मोल भी दिया है, सी का मोल भी दिया है, किसी एक का भी जीरो नहीं है। किसी एक का जीरो होता तो मेरे लिए बिना क्यूसी निकाले ही पता चल जाता कि डायरेक्शन क्या होगी रिएक्शन की। तो हमें ए का कॉन्सेंट्रेशन पता है, देखिए कितना हो जाएगा बच्चों, 2 / 3, 2 मोल है और 3 लीटर वेसल का वॉल्यूम है। ऐसे बी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 1/3, एंड सी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 3/3 यानी कि 1। ओके, अब इस रिएक्शन का क्यू सी लिखें तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई ए रेज टू द पावर 2 इंटू बी रेज टू द पावर 1। सी हमें दिया है 1 1 क्यूब, ए हमें दिया है 2/3, 2/3 का स्क्वायर कर दिया, इंटू बी दिया है हमें 1/3, तो कितना आ जाएगा बच्चों ये 27/4 विच इज लेस देन 49, राइट। तो क्यू सी का वैल्यू के सी से कम है, एसी से कम है, इसका मतलब क्या हुआ, फॉरवर्ड रिएक्शन, दैट रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, यानी इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, मस्ट प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, गॉट इट। चलो बच्चों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज मैं और बता दूं बच्चों आप लोग को, कभी कभी हमें यूनिट्स ऑफ केपी एंड केसी की जरूरत पड़ती है, यूनिट ऑफ केपी एंड केसी। जैसे हम लोग के सी लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म में एंड के पी लिखते हैं प्रेशर के टर्म में, तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म में जब आप के सी लिखते हो तो बेसिकली प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन का रेज टू द पावर स्टोइकोमेट्री अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर स्टोइकोमेट्री। तो सभी कॉन्सेंट्रेशन को जब आप लिखोगे तो मोल पर लीटर लिखोगे, ट्रेडिशनली जो यूनिट आएगा के सी का वो मोल पर लीटर पावर डेल्टा एन आता है, ऐसे केपी का जो यूनिट आता है बच्चों वो एटमॉस्फेयर पावर डेल्टा एन आता है। बट ध्यान रखिए ये बिल्कुल एक्यूरेट बात नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट केपी एंड केपी आर ऑलवेज रिटन इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज, इसलिए कहा जाता है कि जो थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं ना, थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रादर बेटर टू से स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स आर ऑलवेज ऑलवेज यूनिटलेस, कोई भी यूनिट नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। बट यस, नॉर्मल तरीके से जब हम पढ़ाई करते हैं, जैसे एनसीईआरटी बेस्ड भी पढ़ाई करते हैं, तो उसके अंदर भी हम लोग बस इन जनरल जो ट्रेडिशनल यूनिट है केपी और केसी को हम लोग क्योंकि एटमॉस्फेयर और मोल पर लीटर में एक्सप्रेस कर देते हैं तो उस हिसाब से ये यूनिट बनता है। लेकिन एक्यूरेट बात करें जो स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसे हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक सेंस से, वो सब एक्टिविटी के टर्म में लिखा जाता है और एक्टिविटी एक रेशियो होता है, यूनिटलेस होता है, इसीलिए ज़्यादातर स्टैंडर्ड बुक्स में हम देखते हैं केपी और केसी की कोई यूनिट नहीं लिखी जाती। ऑलराइट गाइस, चलिए कमिंग टू फैक्टर्स इफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ पे मैं सिंपल सा रिएक्शन ले लेता हूँ ए चेंजिंग इनटू बी, अगर मैं इसका के सी लिखूंगा तो बी कॉन्सेंट्रेशन अपॉन ए कॉन्सेंट्रेशन, अगर मैं इसका के पी लिखूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। तो चलिए शुरू करते हैं, पहला फैक्टर क्या लगता है आपको, कॉन्सेंट्रेशन का कोई फर्क पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, बी या ए किसी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो तो क्या के पी या के सी चेंज होगा, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नो इफेक्ट। क्यों नो इफेक्ट,
अगर आपने ए की कंसंट्रेशन बढ़ाई तो रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाएगी और बी का कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा उसी रेशियो में जिस रेशियो में ए का कंसंट्रेशन आपने बढ़ाया है। तो इस प्रकार से इक्विलिब्रियम एडजस्ट हो जाएगा कि बी अपॉन ए का जो रेशियो है वो वही आएगा इक्विलिब्रियम पे, तो कंसंट्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रेशर का नो इफेक्ट, अगेन नो इफेक्ट, सेम रीजन। अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम अपने आप को एडजस्ट कर लेगा ताकि नए इक्विलिब्रियम पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकल के आता है वो वही आए, तो प्रेशर का भी नो इफेक्ट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट कैटलिस्ट? बच्चों कैटलिस्ट कभी भी इक्विलिब्रियम की पोजीशन को या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करता है। कैटलिस्ट का जो इम्पैक्ट होता है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों पे बराबर डालता है। मतलब अगर मैं कैटलिस्ट, एक कैटलाइज्ड रिएक्शन और एक अनकैटलाइज्ड रिएक्शन बनाऊँ ना, जैसे मान लो ये अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है और जब आपने कैटलिस्ट डाल दिया तो उस समय रिएक्शन का जो प्रोसेस है, रिएक्शन का जो स्पीड है वो कुछ इस प्रकार से हो गया। आप देख सकते हो इक्विलिब्रियम यहाँ कहीं आ गया, पहले इक्विलिब्रियम यहाँ पे आया था, यहाँ पे इस पोजिशन पे, अब इक्विलिब्रियम थोड़ा जल्दी आ गया है, राइट? लेकिन इक्विलिब्रियम की पोजीशन वही है, वही है। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट अभी भी वही है जितना पहले थी। तो कैटलिस्ट सिंपली रिएक्शन के लिए एक शॉर्टकट क्रिएट करता है, एक छोटा रास्ता क्रिएट करता है, फॉरवर्ड के लिए भी बैकवर्ड के लिए भी, लेकिन वो कभी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करता, तो नो इफेक्ट, राइट? तो कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं, कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं, वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं, एंड द नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर। टेम्परेचर, टेम्परेचर का फर्क पड़ता है, यस, टेम्परेचर का फर्क पड़ता है। कुछ यूं पड़ता है कि डिपेंड करता है कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। अगर मैं सिंपल इसका रिलेशन टेम्परेचर से लिखूं तो के इज इक्वल टू के डैश इंटू ई रेज टू द पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी, ये रिलेशन होता है। ये है आपका इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, और के डैश को मैं सिंपली एक कांस्टेंट मान लेता हूँ, और डेल्टा एच यहाँ पे है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, राइट? इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ऐसे आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, गैस कांस्टेंट एंड टी टेम्परेचर, ठीक है बच्चों? अब यहाँ पे आप देख सकते हो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो तो क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो तो क्या होगा, लेकिन ये चीज मैं थोड़ा सा आगे बताता हूँ। अगर मैं इसका लॉग ले लूँ, लॉग के इज इक्वल टू, रादर नेचुरल लॉग ले लेते हैं, एल एन के इज इक्वल टू एल एन के डैश माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी, या लॉग के इज इक्वल टू लॉग के डैश माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर टी। अब आप देखो, यदि कभी मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना हो लॉग के और वन अपॉन टी में, लॉग के और वन अपॉन टी में, तो दिस विल बी ए स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, जहां पे स्लोप का वैल्यू होगा व्हाट, माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर, एंड इंटरसेप्ट आप निकाल सकते हो लॉग के डैश के बराबर हो जाए, ओके? अगर मैं इसी को अलग अलग टेम्परेचर्स पे रख दूं, अगर इसी इक्वेशन को अलग अलग टेम्परेचर पे रख के क्लब कर दूं, तो लाइक लॉग के वन इज इक्वल टू लॉग के डैश माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर टी वन। ऐसे ही अगर मैं सेकेंड हायर टेम्परेचर पे बात करूं, लॉग के टू इज इक्वल टू लॉग के डैश माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर टी टू, ये इक्वेशन वन, ये इक्वेशन टू। अगर आप इक्वेशन टू में से इक्वेशन वन को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको मिल जाएगा लॉग के टू माइनस लॉग के वन इज इक्वल टू वॉट, डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर वन अपॉन टी वन माइनस वन अपॉन टी टू। बच्चों करके देख लेना, यही आएगा, लॉग के डैश तो कट जाएगा। दैट मीन्स लॉग के टू अपॉन के वन इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर वन अपॉन टी वन माइनस वन अपॉन टी टू, राइट? दिस इज कॉल्ड एज वन हाफ इक्वेशन, वन हाफ इक्वेशन, वन हाफ इक्वेशन। यहां से हम बहुत खूबसूरती से चेक कर सकते हैं कि जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के टू और के वन का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा। जरा देखिए कैसे।
अगर मान लीजिए आपकी रिएक्शन एंडोथर्मिक है, राइट, इसका मतलब डेल्टा एच जीरो से बड़ा हुआ, डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया। अब ऐसे सिचुएशन में जब आप T2 का वैल्यू T1 से बड़ा रखोगे बच्चों, तो ये जो फैक्टर है ब्रैकेट में लिखा हुआ, ये भी पॉजिटिव रहेगा अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। उस केस में लॉग K2 अपॉन K1 की वैल्यू पॉजिटिव आई, इसका मतलब K2 का वैल्यू K1 से बड़ा हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि K2 का वैल्यू K1 से ज़्यादा हुआ, राइट। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेस, ठीक है बच्चों। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में जहां पे डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है, याद रखिएगा, भूलेगा नहीं, ऑल राइट। इसी प्रकार से अगर डेल्टा एच की वैल्यू लेस देन जीरो हो, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, तो अब आप फिर से देख सकते हो ये नेगेटिव है, और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ये पॉजिटिव होगा, ब्रैकेट वाला पूरा पोर्शन ये नेगेटिव है, इसका मतलब लॉग K2 अपॉन K1 की वैल्यू नेगेटिव हुई, और अगर लॉग K2 अपॉन K1 की वैल्यू नेगेटिव हुई, इसका मतलब K2 का वैल्यू K1 से कम हो गया। दैट मीन्स ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर K2 बिकम्स लेस देन K1, राइट, और K2 बिकम्स लेस देन K1 मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेस, ठीक है। तो जब भी कभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जहाँ पे डेल्टा एच नेगेटिव होता है, वहां पे टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC या KP दोनों घटते हैं। एंडोथर्मिक में जहां डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, वहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ेगा, और एक्सोथर्मिक में जहां पे डेल्टा एच नेगेटिव होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर KC या KP की वैल्यू घटेगी, याद रखिएगा, ऑलराइट बच्चों। इसके अलावा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी कभी मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन पे भी डिपेंड करता है, कैसे जरा देखते हैं। इफेक्ट ऑफ मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, अगर कभी रिएक्शन को लिखने का तरीका बदल दो, तो उस सिचुएशन में किस प्रकार से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है। जैसे पार्ट 1, इफ ए रिएक्शन इज रिवर्स्ड, अगर एक रिएक्शन को रिवर्स कर दो, जैसे मान लो आपके पास कोई रिएक्शन है ए चेंजिंग इन टू बी, इसका केसी क्या होगा, बी अपॉन ए। अगर आपने इसको उल्टा कर दिया, अगर आपने इसी रिएक्शन को उल्टा कर दिया, मतलब बी चेंजिंग इनटू ए कर दिया, तो उस सिचुएशन में केसी डैश हो गया ए अपॉन बी, राइट। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन बी अपॉन ए, यानी कि ये हो गया 1 अपॉन KC डैश इज इक्वल 1 अपॉन KC, ऑल राइट, 1 अपॉन पुरानी रिएक्शन का केसी। तो जब भी कभी किसी रिएक्शन को उल्टा कर देते हैं, तो उसका नई वाली रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, वो पुरानी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रेसिप्रोकल होता है, 1 अपॉन KC इज इक्वल टू KC डैश। ओके गाइस, तो सिंपली रिएक्शन को रिवर्स करेंगे, KC 1 अपॉन KC हो जाएगा। अगला ऑपरेशन है, अगर कभी किसी रिएक्शन को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, इफ अ रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट नंबर, रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट नंबर एन, एन से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे देखो आपका रिएक्शन है ए चेंजिंग इनटू बी, केसी कितना हो गया, बी डिवाइडेड बाय ए। अगर आपने इसी को एन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, एन ए चेंजिंग इनटू एन बी, तो केसी डैश कितना हो जाएगा, बी रेज टू द पावर एन अपॉन ए रेज टू द पावर एन, यानी बी अपॉन ए कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर एन, और बी अपॉन ए की जगह में पुराना वाला केसी रख सकता हूँ, यानी नया जो केसी होगा वो पुराने केसी रेज टू द पावर एन हो गया। ओके गाइस, तो इस तरह से जब कभी किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी रिएक्शन को, तो जो नया केसी आता है पुराने केसी रेज टू द पावर एन हो जाता है। अगर कभी डिवाइड कर देते, तो जहां पे एन है ना, वहां पे 1 अपॉन एन हो जाता। डिवाइड करना इज नथिंग बट 1 अपॉन दैट नंबर से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो अगर यहाँ पे डिवाइड करते हैं एन से, तो पावर में 1 अपॉन एन चला जाता और कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑल राइट बच्चा। इसी प्रकार से कभी दो रिएक्शन को जोड़ दें, इफ टू रिएक्शंस आर एडेड, अगर दो रिएक्शन को जोड़ दिया जाए, मान लीजिए मेरे पास ए चेंजिंग इनटू बी कोई रिएक्शन है, इसका KC 1 दिया हुआ है, बी अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही पी चेंजिंग इनटू क्यू है, इसका KC 2 हो जाएगा, क्यू
क्यू कॉन्सेंट्रेशन अपॉन पी कॉन्सेंट्रेशन। अगर मैं इन दोनों रिएक्शन को जोड़ दूं, ए प्लस पी चेंजिंग इनटू बी प्लस क्यू, तो एग्जैक्टली इसका जब मैं केसी लिखूंगा तो क्या आएगा, बी कॉन्सेंट्रेशन क्यू कॉन्सेंट्रेशन अपॉन ए कॉन्सेंट्रेशन इंटू पी कॉन्सेंट्रेशन। अब आप देखो पहला वाला जो टर्म है वो के वन दिख रहा है, दूसरा वाला टर्म के टू दिख रहा है, के सी वन एंड के सी टू रादर। तो के सी क्या मिल गया बच्चों, के सी वन इंटू के सी टू। ओके, तो जब भी कभी दो रिएक्शन को जोड़ देते हैं तो उनके इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है बच्चा लोग, तो ये मैंने कुछ छोटी छोटी बातें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड आपको सिखाई कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, और अगर हम किसी रिएक्शन के रिप्रेजेंटेशन के मोड को चेंज कर दें, लिखने के तरीके को बदल दें, तो जो नया केसी आता है वो पुराने केसी से कैसे लिंक्ड होता है। ठीक है, ठीक है बच्चा लोग, आई होप कि ये छोटी छोटी बातें आपके दिमाग में बैठ गई होंगी। अगले लेक्चर में हम लोग कुछ अच्छी चुनिंदा प्रॉब्लम करेंगे इस पर्टिकुलर केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड पे, एंड हम लोग शुरू करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, सोचिए क्या, हम डिस्क्लोज करेंगे अगले लेक्चर में। इसके पहले कि मैं इस लेक्चर को कंक्लूड करूं बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अनअकैडमी की तरफ से। अनअकैडमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जहाँ पे एक स्टूडेंट अपने एडुकेटर से डाउट पूछ सकता है। डाउट पूछने का जो तरीका है वो यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से दिखाया गया है। Go to the doubts and solutions feature on your home screen. Click on ask a doubt and upload the doubt image. Crop the image to highlight the question. Crop कर लीजिए और highlight कर दीजिए. And choose the subject that the question falls under. मतलब किस subject में आ रहा है ये question, वो आप select करके, physics का है, chemistry का है, maths का है, आप भेज दीजिए एंड आपके पास फटाक से सोल्यूशन आ जाएगा। ऑलराइट, तो जो बच्चे अनअकैडमी के सब्सक्राइबर हैं वो इस फीचर को खूबसूरत तरीके से यूज कर सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा द बिगेस्ट स्कॉलरशिप ऑफ इंडिया फॉर आईआईटीजी प्रिपरेशन अनअकैडमी कॉम्बैट, इसके बारे में आप सब लोग फेमिलियर हो चुके होंगे। हर संडे को 11 बजे होता है, क्लास 11, 12 एंड ड्रॉप आउट सभी के लिए अप्लाइड है। 4 करोड़ रुपए तक का स्कॉलरशिप पूल है। आप इसके लिए इनरोल करने के लिए मेरा प्रोमो कोड यूज करिए SDSIRLIFE, और फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेस्ट है, इसमें कोई फीस नहीं लगती है, और अगर आपने अच्छा स्कोर किया तो बहुत अच्छी स्कॉलरशिप आपको मिलने वाली है। ऑलराइट बच्चा लोग, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, बाय बाय।